सोर्सेस से एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, राहुल गांधी को जो तुगलक लेन पर बंगला मिलने की खबर आ रही थी उस पर राहुल गांधी ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। राहुल को जवाब देने के लिए 8 दिन का वक्त दिया गया है, तो राहुल को जवाब देने के लिए अभी 8 दिन का समय है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा था कि जब उनकी सांसदी लौटी उसके साथ ही उनको बंगला दिए जाने की भी खबर आ गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक बंगले पर कोई बात नहीं रखी है। यानी कि सोर्सेस से खबर आ रही है कि उन्होंने कोई सवाल कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं, कुमार विक्रांत। कुमार, बंगला मिल गया है, फैसला नहीं लिया है, क्या तरीका होता है इस पूरी प्रक्रिया के तहत, बताइए जरा। देखिए, जब किसी भी सांसद को कोई बंगला अलॉट किया जाता है तो उसके बाद उनको 8 दिन का समय दिया जाता है कि उनको ये बंगला पसंद है, इसमें वो रह चाहते हैं या किसी और बंगले की वो मांग कर सकते हैं। तो उसी के तहत अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी के दफ्तर को ईमेल मिला है कि हाँ, 12 तुगलक लेन जिस राहुल गांधी पहले रहा करते थे वो उनको अलॉट कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद से राहुल गांधी संसद से सीधे कांग्रेस पार्टी के एक बैठक में मौजूद है, तो राहुल गांधी के दफ्तर की राहुल गांधी से बात अभी इस बारे में नहीं हुई है कि राहुल गांधी उसी बंगले को वापस लेना चाहेंगे या किसी और बंगले के लिए अप्लाई करेंगे। तो उनके पास 8 दिन का समय होगा, क्योंकि जो 12 तुगलक लेन है वो राहुल गांधी की सुरक्षा के मद्देनजर उसमें तमाम बदलाव किए गए थे, टेम्परेरी बदलाव किए गए थे, और राहुल गांधी के दफ्तर और घर था वहां पर, तो उसमें टेम्परेरी व्यवस्थाएं तमाम सारी थी जो राहुल गांधी ने छोड़ते वक्त उन सबको हटा दिया था। ऐसे में अब वो नहीं रहा जैसा राहुल गांधी का था, तो ऐसे में अब राहुल गांधी को तय करना है कि वो उसी बंगले में रहना चाहेंगे या किसी और बंगले की मांग करेंगे। 8 दिन का वक्त उनको तकनीकी तौर पर सबको मिलता है, वही उनको भी मिला है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि वो फैसला जल्द सामने आएगा, इन 8 दिनों का वक्त पूरा नहीं लिया जाएगा। शुक्रिया कुमार विक्रांत जानकारी के लिए।